हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ पाइथन फॉर बिगिनर्स। इस लेक्चर में हम लोग टोकन्स एंड वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बिगिन विद द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ हेलो वर्ल्ड। टू प्रिंट इट वी विल यूज द प्रिंट कीवर्ड एंड आफ्टर दैट वी व्हाट विल वी हैव टू प्रिंट वी विल राइट अप इट इन द कोड्स एंड इट विल प्रिंट फॉर अस। नोट, जो भी हमें रन करना होगा, ये कंट्रोल ऑल्ट एन हमारा एक डिफ़ॉल्ट होता है। इसके पहले मैंने बताया था शॉर्टकट्स, अगर आपने एडिट्स करें, आप शॉर्टकट एडिट करके अगर आपने कोई भी शॉर्टकट रखा है रन करने के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। बाकी कंट्रोल ऑल्ट एन हमारा डिफ़ॉल्ट होता है कोड रन करने के लिए। मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैंने एक लेक्चर 2.py करके एक फाइल बना ली है, इसके अंदर मैं कोड्स टाइप करूँगा। अगर मुझे हेलो वर्ल्ड अगर टाइप करना है, तो मैं प्रिंट कीवर्ड का यूज़ करके कोट्स के अंदर, ब्रैकेट और कोट्स के अंदर जिस जिस चीज़ को भी मैं प्रिंट करना चाहता हूँ उसको लिखूँगा। और मैंने शॉर्टकट बनाया था कंट्रोल आर, तो कंट्रोल आर से मैं यहाँ पे रन करूँगा, तो ये हमारा रन हो जाएगा। ठीक, की पॉइंट्स टू नो अबाउट पाइथन। पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मीन्स प्रिंट कीवर्ड शुड बी रिटन एज दिस ओनली। मतलब कि अगर हम लोग प्रिंट कीवर्ड में पी को कैपिटल कर दें या टी को कुछ कैपिटल कर दें, तो वो एरर दे सकता है। अब इसलिए मैं हमें कीवर्ड, प्रिंट कीवर्ड को ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ना कि इस तरह से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। टोकन हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स। हम लोग इसको याद रख सकते हैं किलो करके एक कोड टाइप में, कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर। वी विल बिगिन विद द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स विच आर हैज सम स्पेशल मीनिंग इन लैंग्वेज। मतलब कि इसको हम लोग कुछ आइडेंटिफायर या वेरिएबल नहीं बना सकते, ये इसकी एक कोई खास मीनिंग है एक लैंग्वेज के अंदर, पाइथन के अंदर, जो उसी। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मैं एक फाइल बना लेता हूँ, keyword.py, और उसके अंदर अगर मैं टाइप करूँ प्रिंट, एक हमारा कीवर्ड है उसको मैं एक वेरिएबल में ट्रीट करता हूँ, और उसके अंदर मैं लिख दूँ ये, और फिर उसके बाद मैं प्रिंट करूँ प्रिंट को, तो मेरे को वो नंबर शो करेगा, तो एरर दे देगा कि इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। मतलब वही कि प्रिंट हमारे एक रिजर्व कीवर्ड है, वो हमारा सिर्फ एक प्रिंटिंग की स्टेटमेंट के लिए ही कॉल हो सकता है, उसको हम लोग ना वेरिएबल ना कुछ ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। दीज आर द नेम्स विच वॉज गिवन टू द वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट, फंक्शन एक्सेट्रा। रूल्स फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड, नो स्पेस इज अलाउड, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, और नो अदर स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। मतलब कि अगर हम लोग एक को, जैसे एक हमारा ए हमारा एक आइडेंटिफायर है, इसके अंदर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, तो ए के अंदर 5 की वैल्यू स्टोर होगी। तो जो ए हमारा रहा वो एक आइडेंटिफायर है। ठीक, अब इसको रूल्स क्या क्या हमारे कहते थे कि कोई भी रिजर्व वर्ड हमारा कीवर्ड आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। मतलब हमारा, जैसे जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि प्रिंट ही कीवर्ड है, और उसको हम लोग एक आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। ठीक, और दूसरी चीज़, अगर ए स्पेस बी इक्वल्स टू हम 5 स्टोर करें, तो ये भी गलत है। हम लोग स्पेस को इंक्लूड नहीं कर सकते। स्पेस की जगह अगर हम लोग अंडरस्कोर लिखें, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा हमें एक या तो अल्फाबेट रखना पड़ता है, या तो अंडरस्कोर से हम लोग किसी आइडेंटिफायर को स्टार्ट कर सकते हैं। पर किसी नंबर से हम सब स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने 1a=5 लिखा, तो वो हमें एरर देगा। ऐसा कोई आइडेंटिफायर नहीं होता जो नंबर से स्टार्ट हो। इसकी जगह अगर हम लोग अंडरस्कोर से स्टार्ट करें, तो ये सही है। लास्ट रूल यही कहता था कि कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं हो सकता। जैसे अगर हम लोग स्पेशल कीवर्ड हमारा एक और डॉलर का हम लोग साइन ले लें, तो वो भी एक एरर देगा, वो कोई आइडेंटिफायर हमारा नहीं बन सकता। इसके बाद बात करते हैं कि लिटरल क्या होता है। लिटरल, दीज आर द वैल्यूज विच वॉज गिवन टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। जो जो मैं पहले
एक आइडेंटिफायर के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा था, तो जो वो वैल्यू थी उसी को हम लोग लिटरल कहते हैं। तो यहाँ पे जो ए इक्वल्स टू 5 है, जो 5 ये वैल्यू हमारी, इसी को हम लोग लिटरल कहते हैं। बात करते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स बहुत तरीके के होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। ये एक कमेंट होता है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। हैश क्या लगा के कमेंट्स, वो लाइंस होती हैं जो हमारे कोड को रन करते टाइम रीड नहीं होती। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में यही सारे ऑपरेटर्स आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सबसे पहले हम बात करें कि ए एक हमारा वेरिएबल है जो 5 को स्टोर कर रहा है, और बी एक दूसरा वेरिएबल है जो 10 को स्टोर कर रहा है, और सी हमारा इन दोनों का सम स्टोर कर रहा है। तो अगर मैं उसको प्रिंट करूँगा तो वो प्रिंट सी दोनों का सम प्रिंट कर देगा ऐसे। ठीक, उसी तरह हम लोग यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस करेंगे तो माइनस करेगा, डिवीजन के लिए डिवाइड का ये साइन, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा ये होता है, और एक मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या करता है कि दोनों का जो 5 और 10 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 देगा। जैसे हम लोग अगर 5 और 2 को डिवाइड करें तो रन करेंगे तो 1 आएगा, मतलब इन दोनों को डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर ऑब्वियसली 1 आता है। तो मॉड्यूलस हमारा इसका नाम मॉड्यूलस है, लेकिन ये रिमाइंडर निकाल के हमें देता है। ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स है, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, इसको मैं सारे एक साथ नहीं पढ़ा दूंगा, धीरे धीरे जब हम लोग कोड से प्रोग्राम्स करेंगे एक एक करके तब पढ़ते जाएंगे, सब अभी ऊपर से जाएगा। अब बात करते हैं पंक्चुएटर्स क्या होते हैं। दीज आर यूज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सेपरेटिंग वन एलिमेंट विद ईच अदर, मतलब जो ब्रैकेट्स है ये सब, इन सब को हम लोग पंक्चुएटर्स कहते हैं। बात करते हैं वेरिएबल्स इन पाइथन, जो मैंने बताया था आइडेंटिफायर्स एक तरीके के वेरिएबल्स ही को कहा जाता है, मतलब दीज आर यूज टू स्टोर सम वैल्यू। इट इज़ अ मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यूज आर स्टोर्ड। जैसे हम लोग किसी नाम, ये नाम हमारा एक आइडेंटिफायर है, तो हम नाम के अंदर एक हिमांशु करके कीवर्ड स्ट्रिंग है उसको स्टोर कर रहे हैं। तो जो चीज़ों को हम लोग स्टोर करते हैं किसी में, उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो एज नाम के एक वेरिएबल में 1.4 एक फ्लोट है जो स्टोर हो रहा है। तो जहाँ यहाँ पे नाम और एज हमारे दो वेरिएबल्स हैं। अब बात करते हैं कि डायनेमिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग क्या होता है। इन स्टैटिक टाइपिंग डेटा टाइप इज अटैच विद द वेरिएबल व्हेन इट इज डिफाइंड, एंड इन डायनेमिक टाइपिंग वी डू नॉट नीड टू डिफाइन डेटा टाइप। मतलब कि अगर आप लोग सी या जावा थोड़ी बहुत भी पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग स्टैटिक टाइपिंग करते थे, जिसमें हम लोगों को किसी कीवर्ड सॉरी कीवर्ड नहीं वेरिएबल को हम लोगों को पहले उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है कि ए क्या हमारा एक कैसा वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है। तो उसको हम लोगों को पहले इंट डिफाइन करना पड़ता था, तब जाके यहाँ पे ए और हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते थे। उसके बाद डायनेमिक टाइपिंग जो पाइथन हो है, उसमें क्या होता है कि हम लोगों को बताना नहीं पड़ता किसी वेरिएबल बनाने से पहले कि वो किस टाइप का डेटा टाइप स्टोर करेगा। ऑटोमेटिकली पाइथन जज कर लेता है कि ए एक हमारा वेरिएबल है और उसमें अगर हम लोग 5 को स्टोर कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप इंटीजर में हो जाता है सेट। ये था डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक टाइपिंग एंड स्टैटिक टाइपिंग। मैंने डायनेमिक और स्टैटिक पढ़ाया, तो हम लोग मल्टीपल असाइनमेंट भी देखते हैं कि हम लोग किसी वेरिएबल में अगर जैसे आप लोग वेरिएबल एक एक स्टोर कर रहे थे, जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ कि ए अगर हमारा एक जैसे आप वेरिएबल बना रहे थे इसमें हम 5 स्टोर कर रहे थे, तो मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है कि ए बी मतलब बी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 5। इसका मतलब इस लाइन का मतलब है कि ए की वैल्यू भी 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है और सी की वैल्यू भी 5 है। तो हमें बार बार ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू 5 की ज़रूरत नहीं है। दूसरा केस क्या कहता है, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। मतलब अभी तो हम लोगों ने एक ही वैल्यू स्टोर करी है, पर अगर हमें हर वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू स्टोर करनी है, मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू 5 कॉमा 10 कॉमा 15, तो इसका मतलब कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू
10 है और c की वैल्यू 15 है। तो एक ही लाइन में हमने तीनों वेरिएबल को डिफाइन कर दिया कि वो उसकी वैल्यू क्या है। इस थ्री में हम लोग फॉर स्वैपिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसका एक हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे तब तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए कीप कोडिंग।